तेलुगु ब्लॉकबस्टर अर्जुन रेड्डी का ये सीन देखिए। आपको लगेगा कि ये सीन थोड़ा डिस्टर्बिंग है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी थोड़ा डिस्टर्बिंग होगा, पर नहीं। इस सीन में जो मैक्सिकन गाना बज रहा है वो मानो ऐसा इमोशन देता है कि हम इस थप्पड़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये म्यूजिक ये दर्शाने की कोशिश करता है कि अर्जुन एक बहुत बड़ा हीरो है इस चीज को करने के लिए। और ऐसे सीन्स बहुत आम बात हो गए तेलुगु सिनेमा में, इसको टॉलीवुड भी कहा जाता है। फिर इस सीन को भी देखिए तेलुगु मूवी पुष्पा से। ये सीन ऑलमोस्ट बताने की कोशिश कर रहा है कि महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब उनका पार्टनर उनकी अनुमति के बिना उनको टच करे, और एक्चुअली महिला है ये चीज एंजॉय करती है। अब ऐसा नहीं कि ऐसे सीन हमें बस टॉलीवुड में देखने को मिलते हैं, बॉलीवुड में भी कई सालों से हमें ऐसे सीन देखने को मिल रहे हैं। पर एक रिसर्च ने दिखाया कि 1950 और 2020 के बीच बॉलीवुड मूवीज महिलाओं के लिए अब थोड़ी बेहतर हो गई हैं। So a slap then. Just a slap. पर नहीं मार सकता। पर ये कहना तेलुगु इंडस्ट्री के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो टॉलीवुड में प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्यों हैं? इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। तेलुगु इंडस्ट्री में मेनली दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है टॉक्सिक हीरोज की। अब इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि कई कमर्शियल तेलुगु मूवीज में हीरोज का व्यवहार बहुत टॉक्सिक है। हरासमेंट, अब्यूज, लॉ बिलो ने पाते हैं, और स्टॉकिंग, ये सारी चीजें नॉर्मलाइज कर दी गई है। जैसे अर्जुन रेड्डी में मेन किरदार अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ ही नहीं मारता, बल्कि एक महिलाओं को धमकी भी देता है एक चाकू के साथ जब वो लड़की उसके साथ सेक्स करने के लिए मना कर देती है। ते, 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 ते। और ये सीन ऐसे नहीं दिखाया जाता जैसे इस सीन में कोई प्रॉब्लम है, बल्कि ये कोई मजाक की सिचुएशन है। जब मूवी डायरेक्टर्स के साथ इस चीज के बारे में बात करी जाती है तो वो कहते हैं कि मूवीज वही दिखा रही है जो हमें हमारी जिंदगी में दिखता है। अब हमारी जिंदगी में एक लड़की को थप्पड़ मारना कॉमन है, इसी वजह से ये मूवीज में दिखाया जा रहा है। जैसे अर्जुन रेड्डी के डायरेक्टर ने कहा कि अर्जुन का प्रीति को एक थप्पड़ मारना एक तरीका है प्यार दिखाने का। If you don't have the liberty of slapping each other, then I don't see anything there. So I feel this woman who were talking about this, I feel that they were never in love. पर लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम ऐसी चीजें दिखा रहे हैं मूवीज में, बल्कि लोगों की प्रॉब्लम है कि इन चीजों को किस तरीके से दिखाया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज का। ये है एक तेलुगु मूवी आई स्मार्ट शंकर। इस मूवी में मेन किरदार एक महिला को स्टॉक करता है और ऑब्जेक्टिफाई करता है। एक रात वो उस लड़की के पीछे भागता है और जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुस जाता है। फिर वो दोनों हाथों से उसको पकड़ता है और करने की धमकी देता है। लड़की पुलिस को बुलाती है, पर जब तक पुलिस आती है उसने अपना मन बदल दिया होता है और वो उस लड़के के साथ प्यार करने लग जाती है। पुलिस सर, ये नक नचिंड मेरा हेल्पन। अब इस पूरे सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक पर नजर डालिए। बैकग्राउंड म्यूजिक पर फोकस करोगे तो आपको लगेगा कि ये एक बहुत लाइट और मजेदार सीन है, जबकि ये सीन एक्चुअली बहुत डिस्टर्बिंग है। अब इस चीज का एक दूसरा एग्जांपल लीजिए। ये है मलयालम मूवी अनयम रसूलम। इस मूवी में रसूल एना को स्टॉक करता है बोट से लेकर उसके घर तक। इस सीन को मजाकिया रूप में नहीं बल्कि एक डिस्टर्बिंग तरीके से ही दिखाया जा रहा है। अब इस चीज का पॉइंट ये नहीं कि मलयालम मूवीज तेलुगु मूवी से बेटर है, बल्कि ये दोनों उदाहरण हमें दिखाते हैं कि एक स्टॉकिंग का सीन एक मूवी में कैसे हल्के रूप में दिखाया जाता है, जबकि दूसरी मूवी में एक डिस्टर्बिंग तरीके से दिखाया जाता है जिसका असर डायरेक्टली व्यूअर पर पड़ता है। अगर कोई नौजवान लड़का अर्जुन रेड्डी के इस सीन को देखेगा तो उनको लगेगा कि इस चीज में प्रॉब्लम क्या है, म्यूजिक भी बहुत चिल है और लड़की धमकी देने के बाद मान जाती है। पर तेलुगु मूवीज में अभी यही प्रॉब्लम है कि ऐसे बिहेवियर को इस तरीके से दिखाया जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और प्रॉब्लम यह है कि ऐसी मूवीज करोड़ों पैसे कमाती है बॉक्स ऑफिस पर, और आज तेलुगु इंडस्ट्री एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है इंडियन मूवीज की फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे। आज इंडियन मूवी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग तेलुगु इंडस्ट्री 90,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। और अगर आप फिल्म्स के बिजनेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये ऑडियो बुक लाइट्स कैमरा एक्शन, जिससे आप ये चीज सीख सकते हैं। ये ऑडियो बुक बताती है कि कैसे इंडियन मूवी इंडस्ट्री इतनी बड़ी कैसे हुई, क्योंकि इस चीज को होने के लिए करीब 126 साल लगे। इसके अलावा कोको एफएम पर आपको कई और बेस्ट सेलर्स मिल जाएंगे जिनको आप सोने से पहले या फिर ड्राइव करते हुए सुन सकते हैं।
उनके नोट्स फीचर को यूज करके आप चैप्टर नोट्स भी बना सकते हो। कुकू एफएम के पास ओरिजिनल कंटेंट भी है और उनका आनंद प्लान है बस 399 रुपीज का, यानी कि हर दिन की कॉस्ट करीब बस 1 रुपए है। और आपको 50% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मोहक 50 का कूपन कोड यूज करोगे, तो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टॉलीवुड में दूसरी प्रॉब्लम है जिस तरीके से लड़कियों को दिखाया जाता है। अब इसमें 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि लड़कियों को ऐसे दिखाया जाता है जहां मानो उनके पास कुछ चॉइस है ही नहीं और वो खुद की डिसीजंस भी नहीं ले सकती। जैसे पुष्पा मूवी में मानो लड़कियां बस वही करती हैं जो लड़के कहते हैं। जैसे जब हीरो एक लड़की को किस करने की कोशिश करता है, ये दिखाया जाता है कि वो लड़की ये नहीं करना चाहती। पर ऐसे भी दिखाया जाता है कि वो इस चीज को सीक्रेटली पसंद करती हैं। बस अकेली लड़की जिसको इस मूवी में एक डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता है वो है दक्षिणी। पर उनका भी ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था। पुष्पा की माँ का बस अकेला यही रोल दिखाया जाता है जहाँ वो एक रोती हुई विधवा है और अपने बेटे पर पूरी तरह निर्भर है। उनको शर्मिंदा किया जाता है और कई नाम बुलाए जाते हैं अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से। अर्जुन रेड्डी में प्रीति शायद ही कोई डिसीजन लेती है अपनी जिंदगी के बारे में, ना वो इतना बात करती है और पहले सीन के बाद सब लोग ये भी भूल जाते हैं कि वो एक मेडिसिन की स्टूडेंट है। उन मूवीज में भी जो फीमेल सेंट्रिक हैं, जैसे वकील साहब, उधर एक मेल किरदार ही मूवी का सेंट्रल किरदार दिखाया जाता है। और अगर हम मेन स्ट्रीम कमर्शियल तेलुगु मूवीज के बारे में बात करें तो कई बार सेंसिटिव चीजें जैसे भी मजाक बनाया जाता है। बालवंतन चेसिना बाबू माकु नच्चाडु अब्बाई चेत्तोने ताली कट्टेस्तां, या फिर इस चीज को यूज किया जाता है एक हीरो का बढ़ावा देने के लिए। मीरु बार पोयारो। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम ग्रो कर सके। दूसरा मुद्दा है कि किस तरीके से तेलुगु हीरोइंस की सेक्सुअलाइजेशन करी जाती है इन मूवीज में। ऐसे ये है के राघवेंद्र राव, तेलुगु सिनेमा में एक जाने माने डायरेक्टर जिन्होंने कई पॉपुलर एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया है। पर उनकी मूवीज में एक सिग्नेचर मूव है हीरोइंस को सेक्सुअलाइज करना कई फल और फूल उनके नेवल पर फेंकने के जरिए। मेरे पे फेंक के मारा एक कोकोनट। I don't know what is so sensuous about a coconut hitting my midriff. Not know apple padinappudu gravity anukunte. नहीं एकड़ पड़ा लगा ना। और ऐसी ही सेक्सुअलाइजेशन हम कई मूवीज में देख सकते हैं, जैसे आला वैकंतपुरम लोग। इस मूवी में मेल किरदार अपनी बॉस के साथ प्यार करने लग जाता है क्योंकि वो उनके पैर पसंद करता है। हर टाइम जब पूजा हेगड़े स्क्रीन पर आती हैं, डायरेक्टर ये इंश्योर करता है कि ऑडियंस देखे कि कैसे हीरो एक्ट्रेस के पैरों पर नजर डाल रहा है। अब इन दोनों मुद्दों से रिलेटेड है तीसरा मुद्दा, वो है स्क्रीन टाइम का, कि लड़कियों को मूवीज में बहुत कम स्क्रीन टाइम ही दिया जाता है। अब अगर लड़कियों को इस तरीके से दिखाया जाता है कि उनको हीरो ही बचा सकता है या फिर उनको सेक्सुअलाइज किया जाता है, तो नेचुरली उनको इतना स्क्रीन टाइम देने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से चाहे विजय देवरकोंडा को हर सीन में दिखाया जाए, शालिनी पांडे के किरदार को कुछ ही सेकंड्स के लिए ही दिखाया जाता है। सिचुएशन इतनी खराब है कि अगर आप मूवी से गाने हटा दोगे तो लड़कियों का स्क्रीन टाइम एक 2.5 घंटे की मूवी में शायद बस आधे घंटे का ही हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर मूवी तेलुगु इंडस्ट्री में एकदम बेकार है। कई तेलुगु मूवीज ऐसी हैं जो बहुत रिस्पॉन्सिबली लड़कियों को दिखाती हैं, जैसे शेखर कमुल्ला की मूवीज, चाहे वो आनंद हो या फिर गोदावरी। अम्मा फर्स्ट आई नाक सॉरी చెప్పను అనుసరంగా అర్చర్ని నాయన నా ప్యాంట్ షర్ట్ లేం చేసాయని, या फिर अरुंधति जहाँ दिखाया जाता है कि कैसे अनुष्का शेट्टी एक जादूगर को मारती हैं। इसके अलावा अरुंधति मूवी में भी फीमेल कैरेक्टर को बहुत रिस्पॉन्सिबली दिखाया जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली वो तेलुगु मूवीज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई हैं, उनमें लड़कियां या तो सेक्सुअलाइज्ड हैं या फिर हीरो पर हर चीज के लिए निर्भर हैं। तो सवाल ये है कि ऐसी प्रॉब्लम्स है क्यों तेलुगु इंडस्ट्री में। इसके पीछे 3 कारण। पहला है बिजनेस। आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। ये है नंदिनी रेड्डी जो एक बहुत सक्सेसफुल फिल्म मेकर है टॉलीवुड में। जब उनसे पूछा गया कि तेलुगु मूवीज में लड़कियों को ऐसे क्यों दिखाया जाता है, वो कहती कि इस चीज के लिए बस एक चीज रिस्पॉन्सिबल है, बिजनेस। क्योंकि आधे से ज्यादा तेलुगु सिनेमा की ऑडियंस लड़के हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है। अब जब तक लड़कियां इन मूवीज की ऑडियंस नहीं होंगी, उसका मतलब है कि मूवीज भी इन लड़कों को ध्यान करते हुए ही लिखी जाएंगी। वो कहती है कि लड़कियों को इस तरीके से दिखाना कोई नई चीज नहीं है,
और ये कई और इंडस्ट्रीज में हम देख सकते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि यंग लड़के अर्जुन रेड्डी और शंकर जैसे कैरेक्टर से ही रिलेट करते हैं, इसी वजह से तेलुगु फिल्म राइटर्स भी ऐसे ही हीरोज बनाते हैं अपनी मूवीज में। पर होपफुली अरुंधति जैसी मूवीज की सक्सेस ये दिखाती है कि एक ऐसी भी ऑडियंस है जिसको दूसरी तरीके के किरदार चाहिए। दूसरी एक्सप्लेनेशन शायद ये है कि हमारे समाज में प्रॉब्लम है, इसी वजह से हमारी मूवीज में भी प्रॉब्लम है। और जब तक हमारा समाज ठीक नहीं होगा, हम ये भी नहीं उम्मीद लगा सकते कि हमारी मूवीज चेंज हो जाएंगी। जैसे कई फिल्म मेकर्स और एक्टर्स बहुत रेगुलरली लड़कियों के खिलाफ कमेंट्स करते हैं। जैसे प्रोड्यूसर चलपति राव ने एक बार कमेंट किया था कि लड़कियां इसके लिए बहुत काम आती हैं। अम्मायिलु हानिकरं कादु गानी पक्कलोकि पनिकोस्तारु। फिर एक्टर और एमएलए नंदमूरी बालकृष्णन ने एक बार ये कहा था, फिर अली जो एक पॉपुलर कॉमिक है तेलुगु इंडस्ट्री में एक बार ये कहा था, अनुष्का अद्भुतమైన తొడలు అనుష్కా ఎలా ఉంటదంటే వేడి వేడి జిలేబీ వస్తుంటే ఎవరికైనా తినాలనిపిస్తుంది అలా ఉంటది అనుష్కా। तो जब तक एक्टर्स डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ऐसे सोचेंगे तो ऑब्वियसली मूवीज भी तो ऐसे ही बनेंगी। फिर आखिरी प्रॉब्लम है कि कई तेलुगु एक्टर्स अपने रोल्स चेंज नहीं करना चाहते। एक इंटरव्यू में नागार्जुना ने कहा था कि तेलुगु फैन दुनिया के सबसे बेस्ट फैंस हैं। उन्होंने इन फैंस को इंग्लैंड के फुटबॉल फैन से कंपेयर किया। वो कहते कि तेलुगु मेल एक्टर्स के फैंस एक्टर की हर चीज को फॉलो करते हैं। इसी वजह से जब एक एक्टर एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करता है जिसको फैंस बहुत पसंद करते हैं, एक्टर्स पर दबाव बढ़ जाता है उसी तरीके के रोल्स प्ले करने का। इसी वजह से एक्टर्स नए रोल्स नहीं लेते और सिमिलर चीजें करते हैं। तो अगर चिरंजीवी ऐसा गाना करते हैं जहाँ लिरिक्स टॉकिंग को बढ़ावा देते हैं, चांस है कि वो अपनी अगली मूवीज में भी ऐसा सॉन्ग्स करेंगे क्योंकि उनके फैंस यही चाहते हैं। अब ये जरूर हो सकता है कि कुछ फैंस ऐसी चीजें पसंद करते हैं, पर गोदावरी और अरुंधति मूवीज से हमने ये देखा है कि हर फैन एक तरीके का नहीं है। और हमें ये भी पता है कि फैंस का टेस्ट बदलता है, इसी वजह से तेलुगु मूवीज चेंज होते हैं या फिर नहीं, ये इस चीज पर निर्भर है कि एक्टर्स और डायरेक्टर्स अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाना चाहते हैं। शायद कुछ लोग ये मानते हो कि हमारी जिम्मेदारी है ऑडियंस को वो देना जो ऑडियंस चाहती है, चाहे वो सेक्सिस्ट सीन्स हो या फिर सेक्सुअलाइज्ड गाने। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये मान सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है ऑडियंस को वो चीज दिखाना जो सही है, और होपफुली उस चीज से हम कुछ चेंज ला सके। पर वो चेंज बस एक चीज पर निर्भर करता है, वो है ऑडियंस के पैसे। जहाँ ऑडियंस के पैसे जाएंगे वहाँ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जाएगी। अगर आप इधर तक आ गए और आपको ये वीडियो एजुकेशनल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ग्रो कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा जहाँ हम बात करते हैं बॉलीवुड गानों के बारे में, स्पेशली कि अब गाने कैसे इंस्टाग्राम रील्स में वायरल होने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और कुकू FM ऐप को चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।